हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल में। मेरे चैनल के माध्यम से हम सभी दोस्तों को जो किसी न किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या आईटीआई से जुड़े हुए हैं, उन सभी को उनकी ट्रेड से रिलेटेड एक चीज के बारे में अवगत कराना, यही मेरे चैनल का मेन मोटिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा वीडियो है पैराबोला बाय ऑर्डिनेट मेथड। आज मैं आपको ऑर्डिनेट मेथड द्वारा पैराबोला को बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगुलर मेथड से पैराबोला बनाना सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि जो बच्चे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है आईटीआई के, उनके लिए वो वीडियो बहुत ही मोस्ट है। तो प्लीज उसे जाकर जरूर देखिए। वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम ऑर्डिनेट मेथड द्वारा पैराबोला बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऑर्डिनेट मेथड से किस प्रकार आता है वो दिखा देता हूं मैं। तो ऑर्डिनेट मेथड द्वारा एक पैराबोला की रचना करो जिसकी फोकस से दूरी 80 mm और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी 60 mm है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है। ये जो 80 mm है, डायमेंशन आपको चेंज भी मिल सकती है पेपर में। तो सबसे पहले हमारे जो दूरी दे रखी है, हमारे फोकस से दूरी 80 mm, यानी हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे जिसकी लेंथ होगी हमारी 80 mm। जैसे कि मैंने पहले ले चुकी है, ये देखिए ये जो हमने लाइन ली है, ये इसकी दूरी हमारी 80 mm, ठीक है। अब ये 80 mm जो है, इसकी सेंटर निकालेंगे हम। ये सेंटर इसका पॉइंट ये आ गया 40 mm पे। अब हमें दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स से दूरी 60 mm, जो हमने अभी सेंटर से निकाला है पॉइंट, इससे जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कितनी देखिए हमें 60 mm। तो इस सेंटर पॉइंट से हमें 60 mm हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है, रोलर की सहायता से। ये देखिए 60 mm हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, क्योंकि इन्हें क्या रखा है, देखिए 60 mm हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। ये हमारी 80 mm हो गई, ये हमारी 60 mm हो गई, ये फोकस से हो गई, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स से हो गई, ठीक है। अब ये 60 mm वाली लेंथ है, ये लाइन है, इसको आप 30 में, इसको भी आप सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए 30 mm लगा के। ये देखिए 30 mm पे आएगा इसका सेंटर पॉइंट, ये आया, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट 30 mm पे आ गया। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, जो अब ये 30 mm पे आया, ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा आपका 30 mm पे। 30 mm के बाद इसकी इतना करने के बाद आपको जो ये 30 mm पे पॉइंट आया है, इससे इधर वाले भाग को यानी यहां से बी से आप 5-5 mm दूरी पर यहां 30 mm तक लाइन खींचेंगे, ठीक है, पांच लाइन कम से कम। ये देखिए बी वाले पॉइंट से आप पहले 5 mm दूरी पर पॉइंट लगा लीजिए, 5 5 5 5 5, ठीक है। इस बी वाले पॉइंट, ये जो 30 mm बचा है हमारा, इसको हम पांच भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट आया हमारे 5-5 mm दूरी पर, अब इसको इस वर्टिकल लाइन की सहायता से यहाँ पे भी हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये वाली लाइन आ गई हमारी, फिर हमारी ये आ गई। ये लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है, ये देखिए ऐसे ही अगले पॉइंट से खींचते चलेंगे आप, ऐसे ही यहां से, ठीक है, ये आपकी लेंथ आ गई। ये पांच लाइन आपकी, छह लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको अपना प्रोटेक्टर या प्रकार लेना है, उसमें पेंसिल को डालकर अब आपको पॉइंट्स लगाने हैं पैराबोला बनाने के लिए। ये देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे कि ये इतने दूरी थी, ठीक है, अब आपको यहां से पहली लाइन का, यानी ये वाली देखिए यहां पे रखेंगे आप इस पॉइंट पे प्रकार को। अब इतनी दूरी लेंगे पहले आप, ये वाला पहला पॉइंट लेंगे आप, इतनी दूरी ले ली। इतनी दूरी लेने के बाद बी पॉइंट से आपको निशान लगाना है यहां सेकेंड लाइन पे, ठीक है, जहां भी निशान लगेगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही इसी पॉइंट से दोबारा अगली लाइन का तक डिस्टेंस लेंगे। देखिए अगली लाइन पर बढ़ा दिया मैंने, पहले यहां तक लिया था, फिर अब अगली लाइन पे आ गए, अगली लाइन पे डिस्टेंस लेंगे, फिर इसी डिस्टेंस को बी पॉइंट से आप यहां मार्क कर देंगे थर्ड लाइन पे, दिख रहा होगा आपको। और इसी प्रकार फिर अगला डिस्टेंस लेंगे, इसी पॉइंट से लेना है डिस्टेंस, बस आपकी इधर वाली लेंथ बढ़ती जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट तक डिस्टेंस लेंगे हम, थर्ड पॉइंट के बाद इसी को बी से फिर मार्क कर देना है, एक ऊपर और एक नीचे, एक यहां और एक यहां, ये मार्क हो गया। अब आपको क्या करना है,
अब आपको फिर से इसी डिस्टेंस लेना है, ये रहा पॉइंट, इसके बाद ये यहां तक आपको डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी यहां तक, ठीक है। यहां के बाद फिर आपको बी से ही पॉइंट लगाना है, यह आपका एक पॉइंट, एक आपका पॉइंट आया ये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पॉइंट लेना है, ये यहां तक आ गया आपका पॉइंट फिर से, ठीक है। ये देखिए फिर आपको बी से पॉइंट लगा देना है, इस प्रकार आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स मिलने के बाद आपको अब क्या करना है, देखिए अब आपको पेंसिल लेनी है, तो जैसे कि आपको ये पॉइंट मिले हैं, ये वाले, तो इनको आप ज्वाइन करते चलेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगुलर मेथड में भी किया था, अब इनको आप ज्वाइन करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे फ्री हैंड होगा ये ज्वाइन। ये देखिए ये वाला सेंटर पॉइंट है हमारा, इससे धीरे धीरे आप इन पॉइंट को मिलाते चलेंगे, इधर की ओर ऐसे ही, इधर ऐसे ही, इधर ये देखिए ऐसे मिल गया आपका पॉइंट, ऐसे ही इधर मिलाना है आपको, ये पॉइंट मिला, ऐसे ही ये पॉइंट मिला, ऐसे ही हमारा ये, फिर इसी प्रकार ये, और इसी प्रकार ये, तो आपका पैराबोला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल पैराबोला आपका बन चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, और इस पैराबोला को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में तीनों मेथड से कोई एक मेथड जरूर आएगा, जरूर, तो इस और आपको इसको 10 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ढंग से, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू दोस्तों।